राजूराम मेमोरियल जाट महाविद्यालय में स्थापित की गई 30 किलोवाट सोलर प्रणाली, पीजी ब्लॉक के 6 नए कमरों तथा नए 6 विज्ञान भवन का उद्घाटन दुष्यंत चौटाला ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने अपने सांसद कार्यकाल के दौरान इस सोलर प्रणाली के लिए 12 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की। अवसर पर पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक व पूर्व विधायक पूर्ण सिंह धाबड़ा भी मौजूद थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यदि हम शिक्षण संस्थाओं में कमरे बनवाने से ज्यादा यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंध करें तो युवाओं के लिए नई ऊंचाइयां छूना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा करने से युवा प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का जाट शिक्षण संस्था से विशेष लगाव है। एक एक व्यक्ति के लगाव व जुड़ाव तथा सबके प्रयासों से यह संस्था नई ऊंचाई छूने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप संस्था को नए कोर्स शुरू करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। जाट शिक्षण संस्थान हिसार के अंदर सांसद के बतौर सोलर पैनल्स का जो मैंने ग्रांट दी थी आज वो कंप्लीट हुआ है। और अभी मैं पिछले साल के बिल से इस साल के बिल को कंपेयर कर रहा था तो सोलर पैनल की वजह से शिक्षण संस्थान को 35,000 रुपये इस महीने में बचत हुई है। मैं मानता हूँ कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जो कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी कम करती है और वहीं एक स्ट्रक्चर को अपने आप सिर्फ बिजली बनाने का ही नहीं सरकार तक बिजली बेचने का प्रावधान करती है, सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को अडॉप्ट करना चाहिए। और आने वाले समय में इसमें तो केंद्र सरकार की सब्सिडी है, प्रयास करेंगे कि तमाम महकमे भी अपने ऑफिस को सोलर के माध्यम से यूज़ करें। देखिए 33 बिंदु थे, उन पर गंभीरता से चर्चा हुई, सहमति बनी, उसकी चर्चा आगे कैबिनेट में हम रखेंगे और उनको प्रदेश में इम्प्लीमेंट करेंगे। बची हुई घोषणाओं पर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि बजट अभी केंद्र का आया नहीं है, वो अपनी वर्किंग कर रहा है। हम उम्मीद रखते हैं कि हम अगले 6 महीने के अंदर 50 से ऊपर दोनों पार्टियों की घोषणाओं को प्रदेश में पूरी तौर पर इम्प्लीमेंट कर दें। केंद्र सरकार ने बजट पेश करना है और पहले भी हरियाणा को यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो, हर तरीके से केंद्र सरकार का साथ मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अलायंस गवर्नमेंट को केंद्र सरकार और मजबूती देगी, प्रदेश के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, ये हमारा प्राथमिक प्रयास है। तो अब मेरे को पता चला कि जीजेयू ड्राइवर की भर्ती नहीं कर पाई और मेरी तो 2 बार स्वयं वाइस चांसलर से बात हुई कि आप वहाँ बच्चों को टेम्परेरी जॉब्स दो, जो गरीब घर का हॉस्टल में रहता है अगर उसको वहाँ काम करने का मौका मिलेगा तो क्यों नहीं उसका एक रोज़गार का साधन बनेगा। मगर कहीं ना कहीं लैक ऑफ विल थी। आगे भी मैं तो कर रहा हूँ प्रयास कि उनको दुरुस्त किया जाए, जैसे ई बस चलाई थी उस तरीके से उनको भी दोबारा उनको फिक्स करके दोबारा चलाया जाए। आज न्यूज़ के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।